हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रोडजी। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेल टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहां डेल टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2020, 2021 एंड 2022 पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कहेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे हम रोल के बारे में, तो दोस्तों पहला जो है वो डेल टेक्नोलॉजी होगा एंड सेकेंड वन इज विप्रो। तो सबसे पहले हम डेल की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस वाले पेज पे चले आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस डिलीवरी इंजीनियर की जो जॉब रोल आई है, यहाँ पे आपके सामने वो वाला पेज खुल जाता है। हम नीचे स्लाइड करके इसका देख सकते हैं क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, यू विल लिखा है इंटरफेस डायरेक्टली विथ कस्टमर, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड सपोर्ट इशूज, बिल्ड एंड रिव्यू डिजाइन फंक्शनल टेक्नोलॉजी टेक्निकल एंड फोकस ऑन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक इशूज विथ इंटरनल टीम, डेवलप एंड सस्टेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू कोलैबोरेट विथ क्रॉस फंक्शनल इंटरनल टर्म्स। सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे फ्रेशर्स बी बीटेक बैच 2020-21-22 वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री लेवल पोजीशन, दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेवल का मतलब होता है फ्रेशर से लेके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे 2 ईयर का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप फ्रेशर्स हैं तो। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल और प्लानिंग स्किल डिलीवरेबल, यहाँ पे और चीजें मांगी गई है जो होगा एबिलिटी टू सेट प्रायोरिटीज एंड डीटी गेट एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए। डिजायरेबल रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सारी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन क्लोजिंग होने का जो लास्ट डेट है वो 30 जून है, इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। ये नहीं कि लास्ट डेट का इंतजार करें, अगर उनके बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे यहाँ पे ये बंद कर देंगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे जाएंगे, यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पे नहीं करना है आपको। अगर एक बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके सामने वो पेज खुल रहा है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार डेल पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के अप्लाई कर दीजिएगा। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ईमेल यहाँ पर डालिएगा, पासवर्ड फिर री इंटर पासवर्ड करने के बाद, क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप सक्सेसफुल्ली अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जॉब की तरफ जो है विप्रो की तरफ से आई हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे विप्रो की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है आपका। जो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बी बीटेक रहनी चाहिए एंड 60% इन 10th 12th, और आपका 60% ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। मैक्सिमम वन एक्टिव बैकलॉग होना है। दोस्तों, अगर हम बात करें बैच की, तो यहाँ पे 2022 बैच वाले केवल अप्लाई करेंगे और कोई भी नहीं, मतलब यहाँ केवल फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं। कंपनसेशन पर इनम, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सीटीसी क्या रहने वाली है, तो आपकी 10 लाख सीटीसी रहेगी। डेजिग्नेशन आपका क्या रहेगा, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की जॉब रोल रहने वाली है। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है दोस्तों, यहाँ पे आ सकते हैं रजिस्टर नाउ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें प्लीज। दोस्तों, ये आपके एक हमारी वीडियो आपके पास और लोगों के पास पहुंचता रहता है, तो थैंक यू सो मच।